हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज दीदी के घर पे जाना था मिस्टर प्राई के। उनके घर का मुहूर्त है एंड ना मतलब जाने को सुबह से सोच रहे 11 बजे के अभी तक, और नहीं गई मम्मी तो बिल्कुल तैयार भी होगी। पर यार बारिश नहीं रुक के दे रही, कल से बारिश ही बारिश आ रही तब से। और फिर बाइक पे जाएंगे तो दिक्कत होगी यार, भीग जाएंगे पूरा। और सोच रही जब बारिश रुके तो जाए, अब देखते क्या होगा, क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही बहुत। और मतलब रुकी तो ठीक है, वरना फिर रास्ते में रुक रुक के जाना पड़ेगा, ऐसे भी जाना होगा ये। और मम्मी पहले सबसे पहले तैयार हुई, मतलब मैं भी तैयार नहीं हुआ ना, पापा तैयार हुए, मम्मी देखो एकदम तैयार हो गई। बस देखो मम्मी को ना तैयार, चाहे कोई तैयार हो ना हो, अब तो बारिश में तो हम जा भी नहीं पाएंगे। फिर कैसे होगी बारिश होगी तो ज़्यादा तेज बारिश में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाओ जाएंगे, बस तो है, सिर्फ बस से चल रहे हैं, बस में बैठ के चलेंगे। तो देखते हैं हम बस से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, कि बस में तो बच जाएंगे। अब वैसे बाइक से गए तो भीगते ही जाएंगे, कि रास्ते में बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही वैसे तो, और यहाँ पे भी नहीं रुक रही। अब क्या करें, बारिश में चलेंगे और क्या करेंगे बताओ। मार दीदी तो चलो यार, मैं भी तैयार हूँ फिर थोड़ी देर में, देखते हैं रुकगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो गाइज, अब हो चुके हैं रात, और आज ज़्यादा ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया, बस सुबह जो करा था वो करा था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, मतलब हम दीदी के घर पे जैसे जाने लग रहे थे तो बारिश ना रुक गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी बस तैयार हुआ और चले गया था वहाँ पे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, आपको नहीं बताया कि मैं निकल रहा हूँ घर सब जाने के लिए। और रास्ते में जब बारिश हो रही थी तो इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाया कुछ रास्ते में भी, वैसे बाइक भी मैं ही चला रहा था वैसे तो, इस वजह से वैसे भी शूट नहीं कर पाता। और जब दीदी के घर पे गया था तो बस थोड़ा बहुत जो हवा हो रहा था मैंने वो ही दिखाया, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी यार उनके परिवार वाले में, ज़्यादा भीड़ नहीं थी हाँ, फिर भी थोड़े बहुत लोग आ रहे थे, और हम बस जल्दी जल्दी आ गए थे क्योंकि पापा को काम पे जाना था इस वजह से, और बारिश भी हो रही थी, और फिर बारिश जैसे रुकी हम बस जल्दी जल्दी वहाँ पर जो भी हुआ हम आ गए थे घर पर, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं दिखा पाया ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत जो हवन का था वही दिखा पाया हूँ। तो चलो, अच्छा लगा तो बस लाइक कर देना ब्लॉग को, तो चलो गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।